समिति के जो भी अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं उनसे फोन पर बात की जाए। मेरठ, कानपुर और आगरा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ जिला चिकित्सालयों को मजबूत करने के लिए, वहाँ की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को और मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। आपको मालूम है कि बड़ी संख्या में कामगार, बड़ी संख्या में श्रमिक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या में किसी भी प्रदेश में श्रमिक जो है एक दिन में नहीं आते हैं। कल जो है कुल मिला के 200, कल यानी आज तक 268 ट्रेन, 268 ट्रेन हमारी आ चुकी हैं और इनमें 3,26,040 व्यक्ति अब तक आ चुके हैं ट्रेनों से। ये संख्या अब 3 लाख से ऊपर हो गई है और मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, आगरा में 4 ट्रेनें आई हैं, कानपुर में 7 ट्रेनें आई हैं, लखनऊ में 29 ट्रेनें आई हैं, जौनपुर में 15 ट्रेनें आई हैं, गोरखपुर में 43, पूरे देश में इतनी ट्रेन एक जनपद में नहीं आई हैं जितना गोरखपुर में 43 आ गई हैं, बरेली में 6 ट्रेन आई हैं, बलिया में 9 ट्रेन आई हैं, प्रयागराज में 14, प्रतापगढ़ में 9, रायबरेली में 7 ट्रेनें आई हैं। रायबरेली में 7 ट्रेनों में जो है सीधे 9,103 लोग आए हैं। वाराणसी में 10 ट्रेनें आई हैं। अमेठी में 4 ट्रेनों में जो है 4841 लोग जो है आ चुके हैं, जो केवल 4 ट्रेनों से हैं। बाकी ट्रेनों से भी जो है अलग अलग जनपदों में जो ट्रेनें आ रही हैं उनसे भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। कन्नौज में 1 ट्रेन आई है, गाजीपुर में 4 ट्रेन आई है, बांदा में 2, सुल्तानपुर में 7, हरदोई में 6, आजमगढ़ में 10 ट्रेनें आई हैं, अयोध्या में 7, बाराबंकी में 8, सोनभद्र के ज़िले में भी 1 ट्रेन आई है, गोंडा में 7 ट्रेनें आई हैं, अंबेडकर नगर में 4, सीतापुर में 4, फतेहपुर में 2, उन्नाव में 10 ट्रेनें आई हैं, कासगंज में 6, चंदौली में 5, मानिकपुर में, ये चित्रकूट में है इसमें भी 1 ट्रेन आई है, एटा में 1 आई है, जालौन में 2 आई हैं, रामपुर में भी 1 ट्रेन आई है, शाहजहांपुर में 1 ट्रेन आई है, अलीगढ़ में 2 आई हैं, देवरिया में भी अब ट्रेन जो है क्योंकि गोरखपुर में ज़्यादा हो गई तो देवरिया भी ट्रेन भेजी जा रही हैं। इस आधार पर 268 ट्रेनें आ गई हैं जो ये देश में सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आज तक आ चुकी हैं। मैं ये भी आपको बता दूँ कि जो ट्रेनें हमारे पास आई हैं वो किन किन राज्य से आई हैं। गुजरात राज्य से 156 ट्रेनें, 156 ट्रेनें हमारे यहाँ आ गई हैं। महाराष्ट्र राज्य से 38 ट्रेनें आ गई। गुजरात से इंसिडेंटली 2 लाख से अधिक व्यक्ति गुजरात से आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 38 ट्रेनें जो आई हैं लगभग जो है 50,000 आदमी महाराष्ट्र से आ चुके हैं। पंजाब से हमारी 50 ट्रेनें आ चुकी हैं, लगभग 60,000 आदमी पंजाब से आ चुके हैं। तेलंगाना से 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, 5,000 आदमी आ चुके हैं। कर्नाटक से 8 ट्रेनें आ गई हैं, 10,000 आदमी आ चुके हैं। केरल से 4 ट्रेनें जो है, केरल बिल्कुल दक्षिण के छोर से, केरल से भी 4 ट्रेनें आई हैं जिसमें 5,000 लोग आए हैं। आंध्र से जो है लगभग 2 ट्रेनों में 2,500 लोग आए हैं। तमिलनाडु से भी ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, 1200 लोग आए हैं। और राजस्थान से भी ट्रेनों से, बस से हम राजस्थान से अलग से ले रहे थे, बसों से अलग जो आए हैं वो के साथ साथ ट्रेन से भी जो है राजस्थान से 1 ट्रेन आने की व्यवस्था हो गई है। अब तक जो कुल लोग बस या ट्रेन से आए हैं हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तरांचल से, कोटा से जो हमारे छात्र आए हैं सबको अगर मिला लें तो लगभग 4 लाख लोग व्यवस्थित रूप से हमारे प्रदेश में बस या ट्रेन से आ चुके हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र, राजस्थान, उड़ीसा से भी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा से भी जो है ट्रेन की व्यवस्था जल्दी ही सुनिश्चित कर ले हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में ट्रेन और ट्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ भी हमारे श्रमिक या कामगार आएँ उनको पूर्ण सम्मान दिया जाए। एक या दो मामले में उन्होंने आदेश दिया है,
यदि कोई अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। ऐसे में उनका निर्देश का जो है पालन किया जा रहा है, कहीं भी कोई भूखा न रहे, क्वारंटाइन सेंटर या आश्रय स्थल पर कहीं भी सफाई व्यवस्था या सुरक्षा की कठिनाई न हो। ईसा से भी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा से भी जो है ट्रेन की व्यवस्था जल्दी ही सुनिश्चित कर ले हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में ट्रेन्स और ट्रेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ भी हमारे श्रमिक या कामगार आएँ उनको पूर्ण सम्मान दिया जाए। एक या दो मामले में उन्होंने आदेश दिया है, यदि कोई अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। ऐसे में उनका निर्देश का जो है पालन किया जा रहा है, कहीं भी कोई भूखा न रहे, क्वारंटाइन सेंटर या आश्रय स्थल पर कहीं भी सफाई व्यवस्था या सुरक्षा की कठिनाई न हो, ये निर्देश उन्होंने दिया है। जैसा कि अभी हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, नर्सिंग होम्स की संक्रमण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो है अभियान चलाया गया है। माननीय मंत्री जी श्री अतुल गर्ग साहब केवल जो है इस ओर जो है उनको कार्य दिया गया और वो बखूबी उसको निभा भी रहे हैं। जनपदों में आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है और L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों में जो अब 1 लाख का अगला टारगेट जो है, 52,000 के बाद जो 1 लाख का टारगेट है उसको भी जल्दी ही पूरा करने का जो है कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि गृह विभाग के माध्यम से अब तक 47,793 यानी लगभग 48,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। सख्ती से लॉकडाउन का पालन अभी भी हो रहा है जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट है। जहाँ हॉटस्पॉट है, जहाँ पर जो है बिल्कुल व्यवस्था बनी हुई है, बैरिकेडिंग बनी हुई है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग का एक निर्देश है कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, लोग घर में रहें, लोगों की सुरक्षा भी हो, चिकित्सा जांच भी हो, आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई जाए, हॉटस्पॉट्स में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक 496 हॉटस्पॉट्स में जो है 8.5 लाख मकान हमारे अभी भी हैं और लगभग 47 से 48 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट्स में चिन्हित हैं और वहाँ रह रहे हैं। फेक न्यूज़ पर विशेष रूप से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने आज भी इसकी समीक्षा की है कि फेक न्यूज़ के जो भी मामले आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। 923 मामले फेक न्यूज़ के आए हैं और आज 13 मई को 29 मामले आए हैं, जिसमें ट्विटर के 9, फेसबुक के 19 और टिकटॉक का एक मामला आया है। साइबर सेल इसमें जाँच कर रहा है। हमारी अपील होगी कि कोई भी फेक न्यूज़ के कार्य में न लिप्त रहें, अन्यथा इस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। गेहूं क्रय में अब तक 179 लाख क्विंटल गेहूं क्रय हो चुका है मंडी से या मंडी के बाहर से। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो गेहूं क्रय हो रहा है MSP जो है 1925 इसी के आसपास हो रहा है और MSP का पूरा ध्यान रखते हुए गेहूं क्रय की कार्रवाई की जा रही है। उद्योगों में जो वेतन बटना था, लगभग 1592 करोड़ रुपया जो है उद्योगों में वेतन, करीब 59,000 उद्योगों में वेतन बांटा गया है। 1,000 रुपये की जो धनराशि दी जानी है अब 31.84 लाख लोगों को देते हुए 318 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जो है पर्सनल PPE के और मास्क निर्माण के अब 70 यूनिट जो है क्रियाशील हो गए हैं, तो हम अपने आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि हम अपने कार्यों को आगे ले जा सकें। ABC साहब के माध्यम से अब आज यानी कल जो निकल गया है 11.25 लाख फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अनुमन्य था, जहाँ दुकानें खुल रही हैं, तो सप्लाई की व्यवस्था में और अधिक जो है विकल्प लोगों को मिले हैं और उसका लाभ जन सामान्य को हो रहा है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी व्यक्ति कहीं भी हो, हमारे सभी जनपदों के जिला प्रशासन और पुलिस को मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, कोई पैदल न चलने पाए। पैदल अगर कहीं पाया जाता है तो उसका पूरा सम्मान करते हुए उसको बस में बैठाएं, गाड़ी में, वाहन में बैठाएं, उनको आश्रय स्थल लाएं, उनका पूरा नाम पता डिटेल नोट करके उनको भोजन आदि देकर मेडिकल स्क्रीनिंग करते हुए उनको होम क्वारंटाइन में उनके अपने घर भेजें। कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। कल बहराइच में एक
मामला संज्ञान में आया था, जहां बच्चे जो है उनके राशन कार्ड नहीं थे, आज उनका राशन कार्ड जो है बन गया है और बहराइच के जिलाधिकारी ने जो इंस्ट्रक्शंस थे उनका पालन कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम फील्ड में कर रहे हैं, अधिकारियों को भी अच्छे कार्यों में जुटना चाहिए, पुलिस भी बहुत सारे जगह अच्छा काम कर रही है, सभी जगह अधिकारी अपना मेहनत से काम कर रहे हैं और प्रयास हमारा सभी जगह होना चाहिए। हम सबको सम्मान की नज़र से देखें, सबका सम्मान करें, किसी का भी जो है अहित न हो और हर आदमी भोजन पाए, हर आदमी की मेडिकल स्क्रीनिंग हो, हर आदमी का डेटा और स्किलिंग की डेटा भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो और अपने गांव तक जाए। अब तक 4 लाख लोग जो है अपने गांव विधिवत जा चुके हैं और इसके अलावा बाकी जो लोग पहले आ चुके थे वो अलग से हैं। तो ऐसे में ये कार्य निरंतर जारी रहेगा, ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा, अन्य प्रदेश से लोग भी जो है पैदल ना चलें। धन्यवाद। पर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि जिस तरीके से जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गया है और बल्कि सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं पैदल चलकर, आप उनका सम्मान करें, उनको खाना पीना खिलाएं और उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो बता दें आपको 268 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं जिसमें 3,26,000 श्रमिक अब तक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं और आगरा, मेरठ और कानपुर के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। जिस तरीके से इन तीनों जिलों में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के, इसको लेकर यूपी सरकार काफी सजग नजर आ रही है। तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख रहे थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।